वो एक्सप्रेस का एक सर्वर बना लिया था और उसको हमने होस्ट कर लिया था साइक्लिक पे, और हमने एक फ्रंट एंड भी बना लिया था छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा, और उसको हमने होस्ट कर दिया था पूरे को साइक्लिक पे। अच्छा ज़रा मैं इसको सीडी करके ना फोर और चला के देख लेते हैं ज़रा, पहले जो हमने ऐप बनाई थी उसमें क्या हो गया था वहाँ तक ज़रा चला के देख लेते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है फिर। उसके बाद हमने इसी ऐप को जो हमने साइक्लिक पर डिप्लॉय की थी इसको आज हमने गूगल क्लाउड इंजन पे डिप्लॉय करना है, ठीक है, गूगल ऐप इंजन सॉरी। ओके CD2 और हमने कहा जी NPM स्टार्ट। तो ये जी हमारी 3000 पे लिसनिंग शुरू हो गई है, और इसको अगर मैं जाके खोलता हूँ लोकल होस्ट 3000, ठीक है जी एंटर, तो मेरे पास ये इस तरह की एक वेदर ऐप ओपन हो जाती है। प्यारे दोस्तों खामोशी और इस तरफ तवज्जो प्लीज़, जो छोटे छोटे हैं वो आगे आ जाएं, जो लंबे पीछे चले जाएं अगर नज़र नहीं आ रहा तो, ठीक है जी। तो इस तरह की एक वेदर ऐप मेरे पास खुल जाती है। ये वेदर ऐप कैसे खुलती है मेरे पास, ज़रा सा रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि सब लोग सेम पेज पे आ जाएं, अगर कोई किसी को नहीं भी पता चला था तो। ये क्या होता है जी, ये मेरी एक्सप्रेस की एक ऐप है, एक्सप्रेस की ऐप चल रही है मेरे पास। ज़रा इसको लाइन बाय लाइन एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने इम्पोर्ट की एक्सप्रेस की लाइब्रेरी, उसके अलावा हमने इम्पोर्ट किया पाथ, पाथ क्या लाइब्रेरी है ये भी एक, लेकिन ये नॉट जेएस में बिल्टन होती है, इसको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। उससे मैंने डायरेक्टरी नेम निकाल लिया। डायरेक्टरी नेम क्या चीज़ होती है, जहाँ पे मेरा फोल्डर, जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त पड़ा हुआ है ना, ये वो वाला पाथ होता है, ठीक है, क्योंकि मैं जब किसी और कंप्यूटर में भेजता हूँ इसको तो वहाँ पे मुझे नहीं पता वो किस फोल्डर में मेरे प्रोजेक्ट को रख के चलाएगा, तो ये वो उन्होंने फोल्डर निकाल लिया। उसके बाद ये ऐप इनिशियलाइज़ होती है, और जब पहली रिक्वेस्ट मैं करता हूँ लोकल होस्ट 3000 लिख के जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये असल में कहलाती है स्लैश की रिक्वेस्ट, ठीक है, स्लैश लिखूँगा तो भी वही बात है, स्लैश लिखूँ ना लिखूँ वो स्लैश की रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर इस तरह से कोई स्लैश बना हुआ होता ना तो वो हिट हो जाता, लेकिन वो बना हुआ नहीं है, तो नतीजा क्या होता है कि ये इससे भी हिट नहीं होती, इससे भी हिट नहीं होती, और अल्टीमेटली ये ऐप डॉट यूज़ में चली जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट जिक्र किया था कि एक्सप्रेस की जो ऐप होती है हमारी वो पाइपलाइन मैकेनिज्म पे काम करती है, यानी रिक्वेस्ट उसमें ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, ठीक है, जैसे पानी, अगर पाइप में आप पानी डालते हैं तो पाइप में ऊपर से नीचे की तरफ पानी जो है वो गिर रहा होता है, तो सेम उसी तरीके से। अच्छा तो ऐप डॉट गेट में कौन सी रिक्वेस्ट हिट होगी, जिसकी टाइप गेट हो और उसका जो राउट हो वो स्लैश प्रोफाइल हो, ठीक है, जो URL हो वो स्लैश प्रोफाइल हो, तो वो रिक्वेस्ट हिट होगी, अदरवाइज यहाँ पे हिट नहीं होगी वो। उसके बाद अगले URL पे चली जाएगी, अगला URL भी हमारा जो है वो स्लैश का URL नहीं है, ये कब हिट होगा, जब रिक्वेस्ट की टाइप गेट हो और URL ये हो स्लैश वेदर स्लैश सिटी नेम, जब ये हिट होगा। अच्छा तो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसकी टाइप तो है गेट, हम ये जानते हैं कि ब्राउज़र से हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं URL बार में डाल के तो वो गेट की रिक्वेस्ट बनाता है, लेकिन उसका URL क्या है, स्लैश का URL है, ठीक है, तो इन दोनों में वो हिट नहीं होगी रिक्वेस्ट, बल्कि वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा ऐप डॉट यूज़ में किस तरह की रिक्वेस्ट हिट होती है, चाहे वो गेट हो पोस्ट हो पुट या डिलीट हो, किसी भी मेथड की रिक्वेस्ट हो ऐप डॉट यूज़ में वो हिट हो जाती है। अच्छा ऐप डॉट यूज़ में अगर मैं यहाँ पे URL लगाता कि जी प्रोफाइल, तो फिर क्या होता है कि जी प्रोफाइल करके जो URL होता ना उसी पे हिट होता है, लेकिन चूंकि अभी मैंने इसके ऊपर कोई भी URL नहीं मेंशन किया हुआ है तो ये हर तरह के URL पे ये रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हम इसको लास्ट में लगाते हैं हमेशा, ताकि अगर कोई URL हिट ना हो तो लास्ट में इंडेक्स का पेज ये लेकर चला जाए। अच्छा जब यहाँ पे हिट होती है तो हम करते क्या हैं, एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक करके हमारे पास एक फंक्शन होता है जो स्टेटिक पेजेस को सर्व करने के काम आता है। ये वही सेम चीज़ है जो GitHub पेजेस में हम करते रहे हैं, GitHub पेजेस में जो हम होस्टिंग करते थे उसको हम कहते हैं स्टेटिक पेज होस्टिंग, ठीक है, स्टेटिक वेबसाइट होस्ट कर रहे होते थे हम। तो ये स्टेटिक वेबसाइट के पीछे ना ये जस्ट एक लाइन का कोड होता है, GitHub में जो हम कर रहे होते हैं GH पेजेस उसके पीछे ये एक लाइन का कोड होता है। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ये एक लाइन का रहेगा, इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बहुत एडवांसमेंट इसमें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर केस, लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट हमने लाइन लिखी है वो, तो वो एक लाइन है, ठीक है। इसमें मजीद चेंजेस मजीद तब्दीली हो सकती है, जब हम रिएक्ट की ऐप बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसको लिखने का तरीका हमें थोड़ा सा चेंज करना होता है, थोड़ा सा इसको दो लाइन का करना पड़ता है डिफरेंट सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने बोला कि भाई स्टेटिक पेज को सर्व करने के लिए मैंने इसको पब्लिक का फोल्डर बता दिया कि जी पब्लिक का जो फोल्डर है ना उसके अंदर मेरी HTML की वेबसाइट पड़ी हुई है, उसको उठा के ले जाओ आप, ठीक है। अच्छा HTML मैंने डायरेक्ट ऐसे पब्लिक करके नहीं बोला, मैं डायरेक्ट ऐसे पब्लिक बोलता तो भी काम करता ही है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको बोला भाई path.join
और डायरेक्टरी नेम यानी कि सी ड्राइव से लेके उस फोल्डर तक का पाथ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने उसको पकड़ा और स्लैश पब्लिक, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया पाथ को, ठीक है। पाथ को ज्वाइन करने के लिए पाथ की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया है, क्योंकि URL विंडोज़ में और लिनक्स में फ़र्क होता है, तो उन फ़र्क का ये ख्याल रखेगा ये देखते हुए कि इस वक्त कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। मेरे पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैं जहाँ इसको भेजूंगा गूगल क्लाउड पे, वहाँ पे लिनक्स हो सकता है, ठीक है, या मैं किसी जगह माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे भेज दूँ तो वहाँ पे विंडोज़ होगा, या वहाँ पे डॉस का एनवायरनमेंट हो सकता है या पावर शेल का एनवायरनमेंट हो सकता है। तो ये उन चीज़ों का ख्याल रखेगा कि पाथ में क्या तब्दीली होती है। जैसा कि लिनक्स में और विंडोज़ में एक मेजर फ़र्क है कि इनका जो स्लैश है वो अपोजिट होता है, एक में फॉरवर्ड स्लैश होता है, एक में बैकवर्ड स्लैश होता है पाथ के अंदर, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको विजुअली दिखाया भी था, ठीक है। उसके अलावा विंडोज़ में और लिनक्स में दूसरा मेजर फ़र्क ये है कि विंडोज़ के अंदर ड्राइव लेटर्स होते हैं, सी डी ई ड्राइव होती है, जबकि लिनक्स और मैक के अंदर ड्राइव लेटर नहीं होते, उसमें होम से कहानी शुरू होती है, अलिफ मद्दा से कहानी शुरू होती है कि जी होम अलिफ मद्दा और स्लैश करके आगे वो सारी कहानी होती है। तो ये मेजर फ़र्क है जिसकी वजह से मुझे पाथ डॉट ज्वाइन का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं सर्वर को लिसनिंग पर लगा देता हूँ। अब ये सर्वर जो है ये कहीं पर भी मैं रखवा सकता हूँ, मैं अपनी मशीन में इसको रन कर लूँगा तो मेरी लोकल आई पी से ये एक्सेस हो पाएगा, अगर मैं इसको साइक्लिक के क्लाउड पर डिप्लॉय कर दूँगा तो साइक्लिक मुझे एक URL दे देगा या एक आई पी दे देगा, उसके ज़रिए ये एक्सेस हो पाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके जब स्लैश की रिक्वेस्ट की तो ये स्टैटिक पेज उठकर आ गया। स्टैटिक पेज कहाँ से उठ के आया, ये जो पब्लिक का फोल्डर है मेरे सर्वर वाले ही प्रोजेक्ट के अंदर, जो पब्लिक का फोल्डर है आप देखें, ये मेरा सर्वर का प्रोजेक्ट का ये फोल्डर है, इसके अंदर एक पब्लिक का फोल्डर है जिसके अंदर एक ही इंडेक्स की फाइल है, ठीक है। इस फाइल का नाम index.html होना ज़रूरी है, अदरवाइज इसको ये ऑटोमेटिकली समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसका नाम index.html नहीं होगा तो ये स्टैटिक फाइल, स्टैटिक फोल्डर तो पता चल जाएगा इसको, लेकिन उसमें index.html पता नहीं चलेगा उसको, ठीक है। और यही वजह है कि GitHub में भी हमें इंडेक्स नाम रखना पड़ता था उसका, अदरवाइज़ वो अगर इंडेक्स नाम नहीं रखो तो वो ऑटोमेटिक नहीं उठाता था, फिर वो नाम हमें हाथ से टाइप करना होता था, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इसका मैं इंडेक्स का अगर बी कर दूँ, बिंडेक्स, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा तो इसको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको आके बोलूँ स्लैश बिंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो फिर ये इसको सही मिल जाएगा। अच्छा, बी का क्या था, बी कैपिटल था, बी आई नहीं था, बी एन था बस, ठीक है, अब ये इसको सही मिल जाएगा। तो मेरे हाथ से लिखना पड़ रहा है। GitHub पेजेस में भी एग्जैक्टली यही फिनोमेना था कि अगर इंडेक्स नाम होता था तो ऑटो उठा लेता था, अगर इंडेक्स नाम नहीं होता था तो वो उसको हाथ से लिखते थे, फिर उसको पता चलता था, ठीक है जी। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि जी ये जो है ना इस फोल्डर की जो है वो इंडेक्स फाइल है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक तैयार फोल्डर है, एक तैयार सर्वर है, इसको हमने साइक्लिक पर डिप्लॉय करके देख लिया है ऑलरेडी। अच्छा, अब मैंने इसको डिप्लॉय करना है गूगल के क्लाउड पे। गूगल के क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके मौजूद हैं जिसके अंदर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, नंबर एक तरीका ये होता है कि गूगल आपको, अच्छा गूगल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो गूगल अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और अलीबाबा और सेल्सफोर्स, ये सब की बात कर रहा हूँ मैं, ये जितने भी क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं, इसको हम जो प्यार से कहते हैं, इसका बड़ा अच्छा नाम के क्लाउड टेनेंट, टेनेंट वैसे किराएदार को कहते हैं, तो ये जितने भी क्लाउड के टेनेंट प्रोवाइडर हैं कि जी आप इनसे क्या करते हैं, कंप्यूटर्स आप किराए पर लेते हैं कि जी मेरी ऐप चलानी है, मुझे ये कंप्यूटर आप उधार पे दो, ठीक है, और उसको पैसे देते हैं आप किराए पे जो है ना आप लेते हैं, और हर महीने का आप किराया देते हैं, जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से, सबकी प्राइसिंग की वो पूरी चार्ट लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से वो आपको चार्ज करता है। तो ये जितने भी क्लाउड टेनेंट प्रोवाइडर हैं, इसके अंदर मेजर जो तरीके मौजूद हैं वो तीन मेजर तरीके मौजूद हैं, ठीक है। किसी भी इस तरह के एक्सप्रेस के सर्वर को या जो भी वेब सर्वर्स हैं इन जनरल, ठीक है, वो PHP का भी सर्वर हो सकता है, वो C# का भी सर्वर हो सकता है, वो Python का भी सर्वर हो सकता है, सर्वर लिखने की जो फैसिलिटी है वो तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मौजूद है। C में भी सर्वर लिख सकते हैं, C++ में भी लिख सकते हैं, C# में लिख सकते हैं, रस्ट में सर्वर लिख सकते हैं, ठीक है, स्विफ्ट में, शायद कॉटलिन में भी अब आ गया है, ठीक है जी, आपका C# वगैरह, ये जितने भी अवेलेबल Python जितने हैं ना, रूबी रेल्स के सर्वर बड़े चलते थे एक ज़माने में, PHP है ही सर्वर की लैंग्वेज, तो ये जितने भी लैंग्वेज हैं इन सब में तकरीबन सर्वर बनाने की फैसिलिटी मौजूद है, अगर आपने बनाना हो तो आप बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर Node.js का सर्वर ज़्यादा फेमस है,
उसका रीज़न ये है कि वो है पूरा जावास्क्रिप्ट का स्टैक, तो वो जावास्क्रिप्ट हो जाती है तो अच्छा लगता है थोड़ा, फिर जेसन वेसन को थोड़ा ये अच्छे से संभाल लेता है, तो रेकमेंडेड जो है वो जावास्क्रिप्ट का सर्वर है। फिर बाई नेचर एसिंक्रोनस है तो वो थोड़ा स्पीड भी उसकी अच्छी रहती है। और तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉट जेएस में सर्वर बनेंगे, सर्वर और भी लैंग्वेजेस में बन सकते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ सर्वर होगा उसको डिप्लॉय करने के जो मेजरली या मोस्ट कॉमन जो तरीके हैं वो तीन हैं। नंबर एक, गूगल क्लाउड या कोई भी क्लाउड टेनेंट आपको एक पूरी की पूरी मशीन दे देगा, पूरी की पूरी मशीन दे देगा आपको टर्मिनल के एक्सेस से, ठीक है, SSH के एक्सेस से या टर्मिनल के एक्सेस से, या उसको पुटी का एक्सेस कह लो आप। ये टर्म्स आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सुनने में आती रहेंगी आपके, जब आप जॉब्स लगेंगी आपकी, तो उसके ज़रिए आपको पूरी मशीन का एक्सेस दे देता है, कहता है यार ये मशीन आपकी है, इसमें इतने GB रैम है, इतनी GB हार्ड ड्राइव है और इतने नेटवर्क का इसके अंदर अडाप्टर लगा हुआ है, अब ये मशीन में आपने जो करना है आप करते रहो, ठीक है। अच्छा, उस मशीन पे ना सिर्फ मैं सर्वर को रख सकता हूँ अपने, बल्कि उसको मैं दूसरे यूजर्स में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे उसका लेकिन टर्मिनल का एक्सेस मिलता है, उसमें आमतौर पे स्क्रीनें मौजूद नहीं होती हैं, चाहे तो अब स्क्रीन वाला कंप्यूटर भी होता है उनके पास। तो नंबर एक तो ये है कि उसमें हम अपना रख देते हैं ये सर्वर, जिस तरह अपनी PC में रन कर रहा हूँ इसी तरह उनके PC में जाके गिट से क्लोन करता हूँ, उस मशीन में क्लोन, टर्मिनल से गिट हो जाता है क्लोन, टर्मिनल के ऊपर मुझे गिट क्लोन करता हूँ, मैं CD करता हूँ, सारी चीज़ें इंस्टॉल करता हूँ टर्मिनल से, और टर्मिनल से ही NPM स्टार्ट करके मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, मगर ये वाला जो तरीका है, अच्छा इस तरीके को क्या कहते हैं ये भी ज़रा साथ साथ लिखते जाते हैं। गूगल क्लाउड के ऊपर जो है इसको हम कहते हैं गूगल कंप्यूट इंजन, ठीक है, ये इनका एक प्रोडक्ट है, ये इसको ये कहते हैं। अच्छा, लेकिन इस वाले तरीके के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक प्रॉब्लम ये है कि इसको मेंटेन करना पड़ता है, मिसाल के तौर पे अगर किसी वजह से वो सर्वर रुक गया तो वो खुद से दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। नंबर दो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि अगर वो सर्वर चले या ना चले, या आपके पास ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपको पैसे चार्ज करेगा, और वो इतने पैसे चार्ज करेगा जितने की बात हुई भी है। मिसाल के तौर पर आपने 2 GB का एक कंप्यूटर लिया हुआ है, 2 GB रैम और 10 Core प्रोसेसर मिसाल के तौर पर, ये आपने एक मशीन उनसे किराए पे ली हुई है। अब उसने बोला भाई कि इस मशीन के मैं लूँगा $40 महीने के मिसाल के तौर पर, तो अब वो $40 आपने देने, आप अगर मशीन आप यूज़ करें या ना करें, तो या तो शट डाउन करके रखें आप उस मशीन को, तो फिर पैसे नहीं बनते, क्योंकि वो असल में महीने के हिसाब से नहीं होते, पैसे पर आवर होते हैं इसके, ठीक है। तो आप बंद कर देंगे तो आवर काउंट नहीं होंगे, तो वो आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो अगर वो मशीन ऑन है तो वो घंटे के हिसाब से पैसे बना रही होती है आपके, और ओवरऑल महीने में आपके वो $40 बनाएगी, आप उसको भले यूज़ करें या ना करें, ठीक है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनके लिए बड़े नुकसान का सौदा है। नुकसान का सौदा इसलिए है कि उनके पास एक तो ट्रैफिक वैसे ही कम होता है, फिर वो उनको पैसे पूरे देने पड़ते हैं। अच्छा, अब वो ये भी नहीं कर सकते कि मशीन बहुत छोटी ले लें, मिसाल के तौर पर 500 MB की मशीन ले लें वो अगर, तो वो भी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर अचानक कभी यूज़र आ गया ज़्यादा तो वो मशीन क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो 500 MB का पूरा होगा उस मशीन का, वो मशीन में और दम तो है नहीं, तो वो मशीन क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा या मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ उसमें हो जाएगी, ठीक है। या फिर वो जो नया यूज़र आ रहा होगा वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा आपका सर्वर जवाब नहीं दे पा रहा होगा, इतने सारे जब लोग एक साथ आएंगे तो, ठीक है। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी, तो उनको मजबूरन क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पावर लेनी पड़ती है, ज़रूरत से ज़्यादा पावर लेनी पड़ती है। यानी कि अगर 500 MB की उनको ज़रूरत है रैम की, तो वो थोड़ी 2 GB रैम तक लेनी पड़ती है उनको, या अगर उनको मतलब 4 Core प्रोसेसर की ज़रूरत है, तो ज़रा 4 की जगह 8 Core उनको लेना पड़ता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है इसके अंदर, बहरहाल मैंने 2-3 प्रॉब्लम गिनवा दी हैं, एक और प्रॉब्लम सुन लो। ये वाला जो सिस्टम है ना, दिस सिस्टम इज़ नॉट स्केलेबल, ये सिस्टम जो है स्केलेबल नहीं होता। स्केलेबल इसलिए नहीं होता है कि आपने 2 GB का ये ख़रीद लिया इनसे, कंप्यूट इंजन का इंस्टेंस, अब वो 2 GB से अगर ज़्यादा की ट्रैफिक आ गई ना, तो वो खुद से बढ़ेगा नहीं, खुद से स्केल अप नहीं करेगा। स्केल अप का क्या मतलब होता है कि जी अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो आप इसको ज़रा रिसोर्सेज को भी साथ साथ बढ़ा दो आप, ठीक है। मिसाल के तौर पे कभी ये हुआ कि 1 million लोग एक साथ आ गए, कोई ऐसी मार्केटिंग कंपेन हुई, कोई ऐसी चीज़ वायरल हो गई कि एक साथ ज़्यादा ट्रैफिक आ गई, तो वो बड़ा लकी चांस होता है किसी भी स्टोर के लिए या किसी भी बिज़नेस के लिए। तो उस पॉइंट पर ये मशीन आपको जो है ना धोखा देगी, बल्कि और आपके पेट में छुरा मारेगी कि भाई आपका अच्छा खासा यूज़र आता हुआ वेबसाइट आपकी बंद कर देगी,
ठीक है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा यूज़र आएगा रिसोर्सेज तो है नहीं, तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से ये टोटल फेलियर है ये, ठीक है। आज के ज़माने में दिस इज़ नॉट प्रेफरेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा, ये किन के लिए प्रेफरेबल है? ये उन लोगों के लिए है जिनकी जिनका बड़ा सेटअप है, जिनके पास बाकायदा डिपार्टमेंट है, बाकायदा इसके लोग मौजूद हैं जो इसको मेंटेन कर सकें, जो इसको 24 घंटे मॉनिटर करें, देखते रहें, ठीक है। तो उनके लिए ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी साबित होती है कुछ कुछ मौाक़ों पर, लेकिन इसके लिए मॉनिटरिंग चाहिए। अगर ये ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो उसको देखते हुए आपने एक मशीन और ख़ुद से ऑन करनी है, उसको लोड बैलेंसर उस पर ख़ुद से लगाना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आपने ख़ुद करनी होती हैं। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनके पास इवन इतना भी कैपेसिटी होती है कि वो इन चीज़ों की ऑटोमेशन कर लेते हैं, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, इस पर कंडीशंस लगा देते हैं कि जी वो ऑटो थोड़ा बहुत टस्ट उस होता रहे, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें करते हैं कंपनी, लेकिन स्टिल ये छोटे बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, नंबर दो जो है जी, अच्छा ये जो गूगल कंप्यूट इंजन है ना, इसी का जो नाम ना AWS के अंदर वो है, इसको बोलते हैं जो EC2, ठीक है, EC2 का इंस्टेंस बोलते हैं। और इसी का जो नाम है Azure में भी कुछ नाम है, बहरहाल वो मैं भूल गया, सही है। तो फिलहाल अभी ये दो नाम मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ठीक है। ये वाला तो कोई आर्किटेक्चर नहीं है, बस ये तो सीधी सीधी मशीन होती है, इस पर आपने जो करना है करो आप। अब एक आ जाता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अच्छा, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को गौर से समझोगे तो समझ आएगा, वरना ये कभी ना कभी तो ये तंग करेगा, कभी ना कभी तो ये गौर से समझना पड़ेगा, तो अभी समझ लो बेहतर है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को समझने के लिए ना आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसको हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसको? ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। अब ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये ज़रा बताओ कि ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? कोई जानता है अंग्रेज़ी में ऑर्केस्ट्रा किस चीज़ को कहते हैं? हाँ, म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार टाइप की कोई चीज़ है। अच्छा, और बताओ कोई, किसी को अगर पता है तो। ऑर्केस्ट्रा या ऑर्केस्ट्रेशन अंग्रेज़ी में किस चीज़ को कहते हैं हम? हाँ भाई, नहीं मतलब ऑर्केस्ट्रा किस चीज़ को कहते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई, मतलब बैंड को तो बैंड तुम ये कह रहे हो, बैंड का ही एक सिनोनियम है ये। अच्छा, दोस्त कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं ना म्यूजिकल बैंड है, तो 10 लोगों का ग्रुप है, तो उस 10 लोगों के ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं, दोस्त ये कह रहे हैं। हाँ भाई, और कोई जिसका कोई मुख्तलिफ ओपिनियन हो? अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन जो है ना वो बिल्कुल सही किया है इन्होंने, सही बात की इन्होंने। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब बजाया जा रहा होता है तो आपने देखा होगा एक बंदा होता है वो एक स्टिक लेके ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कुछ, उनकी एक अपनी कोई कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है पूरे ग्रुप को, और पूरा ग्रुप जो है ना उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा होता है, और वो काफ़ी सिंक्रोनाइज होते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस प्रोसेस को ना, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे उंगली के इशारे से वो पूरे सबको संभाल रहा होता है, यानी उसका एक उंगली का इशारा डिसाइड करेगा कि आगे वायलिन पे क्या बजेगा और गिटार पे क्या बजेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम जो होते हैं वो, उनका काम ये होता है कि वो चलते इसी पे ही हैं, जो कंप्यूट इंजन वगैरह टाइप के जो इंस्टेंसेस होते हैं उन्हीं पे ही जो चल रहे होते हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्क्रिप्ट लिख लेती हैं, स्क्रिप्ट लिख लेती हैं कि अच्छा जी वो खुद से ऑन ऑफ हो जाए, खुद से ऊपर नीचे हो जाए, जब लोड ज़्यादा है तो एक मशीन और ऑन कर दे, तो इन चीज़ों की ऑटोमेशन कर लेती हैं। अच्छा, तो गूगल ने ये ऑटोमेशन अपने लिए लिखी थी, अपने लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, बाद में उस स्क्रिप्ट को इन्होंने कर दिया पब्लिक, पैसे लेके, मतलब फ्री वाला नहीं, कम्युनिटी वर्जन वैसे फ्री भी है उसका। वेल, तो उसका नाम इन्होंने रखा कुबरनेटीस। उसका नाम इन्होंने क्या रखा? कुबरनेटीस। अब ये जो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने बनाया ना कुबरनेटीस, अब ये खुद भी इन्होंने अपने पास लगा लिया है वो, और बाकी जो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं सबने वो लगा लिया अपने पास। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि जी आप ना ये छोड़ दो मशीन के चक्कर सारे,
क्योंकि जब मैं इनसे मशीन लूँगा कंप्यूट इंजन की, तो इसमें कुछ भी इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं होता, इवन नॉट जी एस भी मुझे खुद इंस्टॉल करनी होती है टर्मिनल के ज़रिए, ठीक है। उसके अंदर गिट भी अगर इंस्टॉल हुई हुई है तो अच्छी बात है, वरना वो भी करनी पड़ती है। तो इवन एक एक चीज़ मुझे सब उसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है खुद से। फिर उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है कि जी इसमें इनपुट आउटपुट की पोर्ट कौन सी होगी, कैसे बाहर निकलेगी इसमें से रिक्वेस्ट, कैसे अंदर ट्रैफिक आएगी, वो सारा गेटवे वगैरह सब कुछ खुद बनाना पड़ता है। तो इन्होंने बोला भाई ये छोड़ दो अब ये चक्कर, आप हमारे को दो ऐप और ये ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने लगाए होते हैं पीछे, ये साइक्लिक ने भी वही लगाया हुआ है, ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम लगाए होते हैं, तो आप इसको देते हैं ऐप अपनी, चाहे वो गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक दे देते हैं आप, या समटाइम जिप फाइल दे देते हैं, समटाइम इनका CLI टूल होता है खुद का, उसके ज़रिए वो ऐप आप उनको यूँ पकड़ा देते हैं, कहते हैं यार ये लो। और वो क्या करता है, जैसे अगर Node.js की ऐप है तो वो चलाता है उस पर NPM इंस्टॉल और NPM स्टार्ट। इसी वजह से हम अंदर स्क्रिप्ट में जाके ना NPM स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो NPM इंस्टॉल और NPM स्टार्ट चलाता है, उससे आपकी स्क्रिप्ट वो जो आपकी ऐप होती है वो चल पड़ती है। अच्छा, और नेटवर्क वगैरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो जाहिर है हर तरह ज़्यादातर सर्वर उसमें एक ही जैसी होती है कि भाई आप जैसे चलेगी आप तो एक URL होना चाहिए, उस पर रिक्वेस्ट करें तो जाए, रिक्वेस्ट करें तो वापस आए, तो ये तो एक ही जैसी होगी। तो इन्होंने कहा यार ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जी ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम से फ़ायदा ये हुआ कि अब आपका जो कंप्यूटिंग पावर ज़ाया होती थी ना, कि जी एक एक बंदे ने 2-2 GB का कंप्यूटर लिया हुआ है, यूज़ हो नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो बिल भी भर रहा है वो, तो इनकी बचत हो गई। अब छोटे बिजनेसेस ने क्या करना शुरू किया कि बस इनको देते थे डायरेक्ट जाके ऐप और कहते थे यार चला दो आप। अब वो गूगल का मसला है कि वो कैसे चलाता है, या साइक्लिक का मसला है कि वो कैसे चलाता है, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक या गूगल इनको चार्ज कैसे करता है, इनको चार्ज करता है पर नॉड, ठीक है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम में एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ज़रा वो भी एक जुमले में सुन लो। ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम में ये होता है कि जी गूगल के पास मिसाल के तौर पे 100,000 कंप्यूटर हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से एक कंप्यूटर को बनाते हैं मास्टर और बाकियों को बनाते हैं स्लेव। अच्छा, अब जिसको बनाते हैं ना मास्टर, ये मैं बिल्कुल थियोरिटिकल बात कर रहा हूँ, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, टेक्निकली ये बात बहुत लंबी कहानी है। टेक्निकली जो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये टेक्निकली बहुत लंबी कहानी है। वेल, मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ कि जी 100,000 कंप्यूटर हैं, उसमें से एक को बनाते हैं मास्टर और बाकियों को बनाते हैं स्लेव। अब जो मास्टर बनता है ना, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है, उसके पास ये एक्सेस आ जाता है कि वो बाकी के तमाम कंप्यूटर को ना किसी भी वक्त ऑन ऑफ ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी ऐप हम डिप्लॉय करते हैं, ये मास्टर कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि अच्छा जी इस ऐप को किस पर डिप्लॉय करना है। ये मास्टर कंप्यूटर चाहे तो एक कंप्यूटर के ऊपर 10 ऐप को डिप्लॉय कर दे, ठीक है, और बाकियों को सबको ऑफ रखे, ये मास्टर डिसाइड करेगा। अच्छा, ये किस बेस पर डिसाइड करेगा कि जी ट्रैफिक क्या आ रही है इसके ऊपर और बाकी के मामलात क्या हैं, इस ऐप का साइज़ क्या है और क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं। अब क्या होता है, 10 ऐप आई, एक ही कंप्यूटर पर डिप्लॉय कर दी मास्टर ने उसको। अब क्या हुआ, एक ऐप पे अचानक ट्रैफिक ज़्यादा आना शुरू हो गई, तो ये मास्टर क्या करेगा, एक दूसरा इंस्टेंस ऑन करेगा, एक दूसरे कंप्यूटर को पावर ऑन करेगा खुद ही। इसके अंदर ये स्क्रिप्ट है, ये गूगल ने लिखी थी अपने लिए, हमें पब्लिक कर दी है अभी। तो एक दूसरे कंप्यूटर को ऑन करेगा, इस ऐप को यहाँ से कॉपी उठाएगा, उधर चलाएगा। अब दो जगह चल गई ऐप, और ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा नए वाले पे और उधर से उस ऐप को रिमूव कर देगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसको कहते हैं, इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं पॉड्स, जैसे एक मास्टर में कह रहा हूँ ना और बाकी स्लेव हैं सारे, तो इन सबको कहते हैं पॉड्स हैं। ये जो स्लेव होते हैं सारे वो पॉड्स होते हैं। तो मास्टर क्या करेगा, एक पॉड को ऑन करेगा, एक पॉड को ऑफ करेगा, मास्टर की मर्ज़ी है ये। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब क्या हुआ कि जी ट्रैफिक आ रही थी तो दूसरे पॉड पे चला दिया था उसको जो ज़्यादा पावरफुल था। अब क्या हुआ, ट्रैफिक अचानक उस पे आना कम हो गई। अब वो देखेगा 2-4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देखेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस पॉड में से एक कॉपी लेगा उसकी, दोबारा उसी मशीन पर डालेगा और इस पॉड को बंद कर देगा, वापस एक पॉड पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी ऐप जब मैं देता हूँ ना उसको, जब मैं ऐप पकड़ाता हूँ गूगल को कि जी ये लो मेरा चला दो ऐप पॉड के ऊपर डाल के, तो मैं उसको बताता हूँ कि मेरा मिनिमम इंस्टेंस कितना चलाना है आपने, मेरा मिनिमम इंस्टेंस कितना चलाना है। मैं कहता हूँ यार 2 इंस्टेंस, तो अब वो क्या करेगा, मिसाल के तौर पे उसके ऊपर उसके बाद चल रहे थे 15 इंस्टेंसेस, ठीक है, 100,000 में से 15 चल रहे हैं, बाकी सारे ऑफ हैं। अब 15 के ऊपर ना किसी पर 10 ऐप, किसी पर 15 ऐप, किसी पर 5 ऐप, किसी पर 2 ऐप चल रही है, तो मैंने बोला मिनिमम मेरे 2 इंस्टेंस चलाना है। तो मेरी ऐप लेगा वो, उसकी 2 कॉपी बनाएगा, एक को एक पॉड पर डालेगा, एक को दूसरे पॉड पर डालेगा, उन दोनों पॉड पे पहले से भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, उन दोनों पे एक एक मेरा चला देगा, 2 इंस्टेंस चल गया मेरे, सही है। अच्छा, फिर ट्रैफिक आएगी तो तीसरा चौथा भी चला देगा,
तो मिनिमम कितने इंस्टेंस चलाने हैं ये मैं बताऊंगा ऐप देते हुए, और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है वो भी मैं बताऊंगा। मैं बोलूँगा भाई 20 से ज़्यादा इंस्टेंस पे नहीं जाना। अब 20 इंस्टेंस आ गया ना, उससे ज़्यादा पे वो नहीं जाएगा, वहाँ पे वो लिमिट करेगा। उसके बाद ऐप का रिस्पॉन्स स्लो होगा, उसके बाद ईमेल मारेगा वो। अगर आप बॉय बहुत मोटे कस्टमर है तो शायद आपको कॉल भी करेगा, ठीक है गूगल। तो वो सारा लेकिन ऑटोमेटेड होता है, तो उसमें बंदा नहीं बैठा होता कोई, ठीक है। ईमेल वीमेल आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है कि भाई आपका ये क्रैश करने वाला है, क्रैश करने वाला है, लेकिन वो क्रैश नहीं होता असल में, ठीक है, वो क्रैश नहीं होता। तो वो होता ये है कि वो थोड़ा लिमिट पुश करता है, ऊपर नीचे करता है, क्योंकि जाहिर है एक पॉड उसका जो ऑन है ना, उस पर अगर 5 ऐप चल रही है तो जगह है उसके अंदर, तो वो उसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करता है। यानी आपको अगर 100% जो उसमें अलाउ किया हुआ ना आपने, तो उससे वो 120-130 तक जाता है, 140 तक भी चला जाता है कभी, यानी डिपेंडिंग ऑन कि उसके बाद कितना एक्सपेंड करने की जगह है। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या करता है, आपके यूज़र को मना करना शुरू कर देता है कि भाई टू मैनी रिक्वेस्ट, बोलता है भी अब नहीं जवाब दूंगा मैं। अच्छा, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, सही है, ये समझ आया सब लोगों को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ना जब 5 principles ऑफ REST API, तो इसमें ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर अगर आपको समझ में आएगा ना, तो वो प्रिंसिपल आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ना जो मेन पॉइंट है नोट करने वाला, वो ये है कि आपकी ऐप ज़रूरी नहीं है कि आप जब रिक्वेस्ट भेजें ना तो वो आपकी ऐप ऑन हो। क्योंकि ये भी करता है कि अगर आपकी ऐप में 2 घंटे तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई ना, एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई, तो आपकी ऐप को ही बंद कर देता है। वो कहता है जब आएगी रिक्वेस्ट तो मैं जल्दी से दोबारा चला दूंगा उसको, आपकी ऐप बंद कर देता है वो, ठीक है। अच्छा, फिर एकदम रिक्वेस्ट आती है तो 4-5 instance भी चला देता है। अच्छा, आप रिक्वेस्ट मारते हैं, कभी रिक्वेस्ट जाती है आपकी एक दूसरे पॉड पे, कभी जाती है एक दूसरे पॉड पे, सही है। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है, इसका आगे डिज़ाइन से बड़ा ताल्लुक है, जो अभी हम आगे कोड लिखेंगे उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका, कि आपके पास अगर 5 अलग अलग पॉड पे चल रही है ना मशीन है, 5 अलग अलग पॉड पे आपका सर्वर चल रहा है, तो जब जब आप रिक्वेस्ट मारेंगे तो ज़रूरी नहीं है एक ही पॉड पे जाए, कभी इस पे जाएगा, कभी उस पे जाएगा, कभी उस पे जाएगा, ठीक है। तो नतीजतन अगर आपने वो लोकल वेरिएबल अगर बनाया हुआ है उस पे, जो कि हमने किया हुआ है इस वक्त, लोकल वेरिएबल में वेदर का डेटा रखा हुआ है, और लोकल वेरिएबल में आपने को चेंज मारा, तो एक इंस्टेंस पे चेंज होगा, बाकियों पे थोड़ी होगा, वो बाकियों पे वही रहेगा। फिर दूसरे पे रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकियों में वही रहेगा, ठीक है। तो इस अगर काउंटर वगैरह की कोई ऐप आप बनाते हैं कि जी हर रिक्वेस्ट पे वो काउंट कर रहा है उसको, तो क्या होता है साइक्लिक पे आप जब जब रिक्वेस्ट करते हैं, कभी 5 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 8 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 1, 2, 3, 4 नहीं चलेगा वो कभी भी, क्योंकि साइक्लिक उसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 instance पे चलाता है मिनिमम, ठीक है। साइक्लिक 2 instance पे मिनिमम उसको चला रहा होता है बैकग्राउंड में। अच्छा, तो इस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कहते हैं, गूगल में जो इसकी प्रोडक्ट है उसका नाम है गूगल ऐप इंजन, ठीक है, प्लस साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक एक थर्ड पार्टी है, प्लस रेलवे, रेलवे ऐप करके भी एक है प्लेटफॉर्म जो आपको अलाउ करता है कि आप नॉट जेएस की आप कर दें, हिरोकू, ठीक है। हिरोकू एक ऐप थी, लेकिन पहले उनका फ्री ट्रेल होता था जस्ट लाइक साइक्लिक, अब उन्होंने फ्री ट्रायल कर दिया, बंद, ठीक है। इसी तरह जो AWS के अंदर जो है ना, उसका नाम है इलास्टिक बीन स्टॉक, सही है, AWS के ऊपर इस सर्विस का नाम ये इलास्टिक बीन स्टॉक। और हम जो अभी यूज़ करने जा रहे हैं आज, जिस पे हम डिप्लॉय करेंगे, वो है गूगल ऐप इंजन, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरा भी है आर्किटेक्चर। अच्छा, ये वाला जो तरीका है ना, अभी जो हमने देखा है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन आइटम है। बहुत ही बेहतरीन आइटम इस वजह से है क्योंकि ये ऑटो स्केलेबल है। आपने बता दिया भाई कि अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, जितनी ट्रैफिक आए आने दो, तो वो आने देगा। आपने बोला कि भाई मिनिमम 2 instance चलाओ, और अपर लिमिट कोई नहीं है, या आपने कोई ऐसी लिमिट लगा दी कि भाई 70-80 instance की लिमिट लगा दी, वो चलता रहेगा। आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ होगा, जितनी ट्रैफिक आएगी उतने पैसे चार्ज कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज़ द वेरी प्रॉब्लम जिसने AWS का इतना बड़ा सिस्टम जन्म दिया। AWS कैसे बना, आपको अगर मैं बताऊं कि AWS itself जो सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर है इस वक्त, सेकंड नंबर पे गूगल आता है, फर्स्ट पे AWS है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है उनके पास और सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर इस वक्त रखता है वो, ठीक है। और इवन फेसबुक वगैरह इन सबको अपनी कंप्यूटिंग पावर दे रहा होता है, सब पार्टनर हैं इसके। अभी मेटा जो आया है उसने भी पार्टनरशिप की हुई है, जी हमारे पास कम पड़ा कंप्यूटिंग पावर तो हम आपसे लेंगे। तो इसका चक्कर ये हुआ था कि क्योंकि ये था ऑनलाइन स्टोर,
तो इसके पास ज़ाहिर है सर्वर तो लगेगा, तो जब ही चलेगा ना ऑनलाइन स्टोर, बगैर सर्वर के तो वेबसाइट चलेगी नहीं। तो इन्होंने अपने घर पे लगाया सर्वर। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इन्होंने हर साल ग्रो भी कर रहे थे ये। अब हर साल इनके पास क्या होता था कि क्रिसमस पे इनके पास आ जाती थी बहुत ट्रैफिक। तो ये क्या करते थे, क्रिसमस से कुछ अरसे पहले ना, 2-3 महीने पहले परचेजिंग शुरू कर देते थे, बड़े बड़े सर्वर ख़रीद लेते थे और उसको लगा लेते थे कि भाई किसी तरह क्रिसमस की ट्रैफिक समझ जाए हमसे, क्योंकि ट्रैफिक आती थी ज़्यादा, लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टी में लोग परचेजिंग भी करते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, आना जाना भी करते हैं एक दूसरे के घर, तोहफे तायफ चलते हैं। तो और वैसे भी जाहिर है क्योंकि जैसे क्रिसमस उनके यहाँ ईद के तौर पे होती है, तो ईद में बंदा बोलता है यार चलो कपड़ा भी ले लो, जूते भी ले लो, कैप भी ले लो, सब ले लो, पूरे साल उसके लिए सेविंग करके बंदा क्रिसमस के टाइम पर वो खाली हो जाते हैं सारे। तो अब वो खाली होने के लिए इधर ही आएंगे स्टोर पर, तो ट्रैफिक अल्टीमेटली ज़्यादा आती थी। तो वो बोलते थे भाई किसी तरह की क्रिसमस का हमारा टाइम गुजर जाए सक्सेसफुली। अच्छा, वंस वो क्रिसमस का टाइम गुजर गया, अब वो उन्होंने जो हज़ारों की तादाद में सर्वर ख़रीद लिए थे एक्स्ट्रा, जिनका पूरा साल उनके पास कोई काम नहीं है, तो अब उसका वो करेंगे क्या? तो अब उस तरह इनके पास क्या हो गया कि वो एक्स्ट्रा पूरी साल वो मशीन पड़ी रहे। अब वो ज़ाहिर है न्यू मशीन जब आप ख़रीदते हैं तो होती है महंगी, अब वंस आपने ख़रीद ली थोड़े दिन इस्तेमाल हो गई, अब वो बिकेगी थोड़ी उस रेट में, वो तो अब बिकेगी कौड़ियों के भाव। ठीक है, अगर कोई 1 लाख की मशीन ख़रीदी थी तो अब उसको 20-30 हज़ार में कोई लेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ना, अगर एक हो तब तो आप चलो कुछ ना कुछ करके भेज देंगे, अब वो इतनी क्वांटिटी में अब उसको कौन लेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं हम, जो ये बचे हुए कंप्यूटर है ना, बाकी का जो साल है पूरा, हम ये बचे हुए कंप्यूटर देंगे किराए पर। तो टेनेंट उस वक्त तक ये सेटअप आ चुका था, टेनेंसी वगैरह होती थी उस वक्त भी, तो जैसे बड़े कंप्यूटिंग जो IBM वगैरह ये लोग उस वक्त भी टेनेंसी करते थे। ठीक है, सर्वर मशीन भी बेचते थे और सर्वर मशीन को टेनेंट भी करते थे। तो उन्होंने कहा भाई हम टेनेंट करेंगे, तो वो टेनेंट से कहानी शुरू हुई और आज AWS जो सबसे बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर बन के बैठा हुआ है। तो दिस इज़ द वेरी रीज़न जिसकी वजह से AWS बनाना पड़ा इनको कि भाई अब कंप्यूटर इसका करें क्या। तो इसमें क्या होता है जी, हाईली स्केलेबल होता है ये, आपकी ऐप अगर आपने उस पर लगा दी है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसका बेनिफिट भी है, बेनिफिट ये है कि जी आपके पास अगर सिर्फ क्रिसमस पे ही ट्रैफिक आती है तो आप उसके लिए बड़े बड़ी मशीनें ख़रीदेंगे तो वो तो मशीन ज़ाया हो जाएगी आपकी, ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपको वही सेम काम करके देते हैं और मशीन आपको ख़रीदनी भी नहीं है, घर पर भी नहीं लानी, उसको सेटअप भी नहीं करना, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए बंदा भी नहीं चाहिए, उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं चाहिए पावरफुल। ठीक है, उसके लिए नेचुरल डिज़ास्टर से भी, क्यों बिजली बारिश वारिश हो गई, कुछ हो गया, पानी चला गया सर्वर में, तो बस गेम ओवर फिर आपकी। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। प्यारे बच्चों बातें नहीं, इधर तवज्जो। अच्छा, ये हो गया जी आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अच्छा, हम जो आज करेंगे वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, लेकिन एक और भी समझ लो, एक होता है जी नैनो सर्विस आर्किटेक्चर। नैनो सर्विस आर्किटेक्चर जो है ना, उसमें क्या होता है कि होता असल में यही है, ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम यही होता है, लेकिन वो कहते हैं यार कि आप ना अपना जो आपका सर्वर है उसमें आप यार ऊपर पोर्ट भी लिखते हो, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें लाइब्रेरी वगैरह भी इंस्टॉल करते हो, सब करते हो, फिर उसमें आप बनाते हो मिसाल के तौर पे 200 APIs। हमारे सर्वर में भी कितनी API बनी हुई है, सिर्फ 2 बनी हुई है। कहते हैं यार आप बनाते हो 200 APIs, अब वो 200 APIs आप बनाते हो तो अब मिसाल के तौर पे किसी एक में, जैसे ये स्लैश प्रोफाइल वाले में कोई एक हो गई मिस्टेक मेरे से, ठीक है, तो इसमें मिस्टेक होने की वजह से ही मेरा पूरा सर्वर रुक जाएगा, ऐसा ही होगा ना भाई। अगर मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दूँ, कॉन्सोल का मैं ई हटा दूँ ये, तो इसकी वजह से क्या होगा, एरर आएगा, बोलेगा भाई ये console.log इज़ नॉट अ फंक्शन, और पूरा सर्वर जो है वो रुक जाएगा, चलने से मना कर देगा, रेड कलर का वो पूरा आ जाएगा लकीर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यार ये आप ऐसा क्यों करते हो। अच्छा, इस तरह के सर्वर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगलटन। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस तरह के सर्वर को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन कहते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन, तो वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टिल एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, इसको याद रखना, क्योंकि ये मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी मारते हैं इंटरव्यू में आपको ये। ठीक है, और हो सके अगर तो इन टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा थोड़ा सर्च भी कर लेना कि यार ये जो होती क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों के पास इंटरनेट है, अगर मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ तो आप उसको क्रॉस चेक करें, उसको चेक करें कि हाँ भाई सर सही बता के गए हैं, ये ऐसी गोल गोल बातों में घुमा के निकल गए। ठीक है, क्योंकि मैं बातूनी तो हूँ, मैं बातों में घुमाता भी बहुत हूँ।
तो आपने मेरी जितनी भी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इस क्लास में, आपने उन तमाम बातों को जाके घर जाके क्रॉस चेक करना है, उस बातों को वेरीफाई करना है आपने कि भाई सर ने जो बात बताई है वो सही बताई है गलत बताई है, ठीक हो गया। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक एरर आता है तो मेरी 200 की 200 API क्या होती है, चलना बंद हो जाती है, मेरा पूरा का पूरा सर्वर जो है वो स्टॉप हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता फिर। अच्छा, या फिर मेरे पास एक तो ये सिचुएशन हो गई, तो वो कहते हैं यार ये आपका ये मसला है, गड़बड़ है। दूसरा मसला ये है कि यार मेरे पास 200 APIs हैं लेकिन उनमें से जो ट्रैफिक आती है ना वो सिर्फ 4-5 पे ही आती है, सब पे नहीं आती, क्योंकि देखो एक होगी साइनअप की API, एक होगी लॉगिन की API, एक होगी गेट प्रोफाइल, एक होगी सेट प्रोफाइल, एक होगी न्यू ट्वीट पोस्ट करने की, है ना, एक होगी भाई स्कैजुअल गेट करने की, एक होगी भाई अबाउट के डिटेल गेट करने की, एक होगा छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर पड़ा होगा शायद वो डाउनलोड करने की। तो ट्रैफिक आती है सिर्फ ट्वीट करने वाले पे कि जी नया ट्वीट करने की जो API है। अच्छा, लॉगिन और साइनअप चलती है बहुत ही कम, क्योंकि लॉगिन तो यार डेली बेसिस पे आपके नए यूज़र कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आते ना। लेकिन नई ट्वीट्स जो है वो हो सकता है एक एक यूज़र 50-50 ट्वीट कर रहा हो, और आपके पास अगर 5000 यूज़र हैं तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये आपके जो है वो एक लाखों में एक तादाद बनेगी। तो एक API पे रिक्वेस्ट आ रही है आपकी लाखों की तादाद में, और एक पे आ रही है रोज़ 100, 50, 30 रिक्वेस्ट आ रही है। तो सम टाइम ये होता है कि ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से भी सर्वर क्रैश तो हो सकता है, ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से भाई गूगल आपको कितने पे 120 पे ले जाएगा परसेंट पे कि जी 2 कोर आपने बोला था तो वो 3 तक खींच देगा शायद, उसके बाद तो वो मना करेगा, उसके बाद तो वो स्टॉप रिस्पॉन्डिंग करेगा। तो ये कहते हैं कि जी ये सिंगलटन जो है ना, अच्छा सिंगलटन वैसे अंग्रेज़ी में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता सकता है? सिंगलटन कहते हैं जो सिंगल स्टोन से बना हुआ, सही है, सिंगल स्टोन से जो बना हुआ। मिसाल के तौर पर कुछ वो पुराने ज़माने के लोग थे, वो पहाड़ों को काट के ना अपना घर बनाते थे, तो उनका यानी पूरा घर जो होता था दैट इज़ अ सिंगल स्टोन, उसको वो बीच से काट के। आजकल ये जो आईफोन बनाते हैं इसमें भी ये कहते हैं कि जी वो सिंगल एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ये कि जी वो एल्यूमिनियम का एक ही पीस है चकोर, और उसी को वो बीच से काट के ना उसको वो सिंगल एल्यूमिनियम का फ्रेम है उसका पूरा, तो वैसे क्लेम करते हैं। और भी कुछ फोन वोन है वो कहते हैं जी वो सिंगल एल्यूमिनियम का सॉलिड बार लेते हैं, वो सॉलिड बार लेके अंदर उसको ड्रिल से ना कटाई करके और उधर मदरबोर्ड फिक्स करते हैं, ठीक है। तो वो इसको कहते हैं सिंगलटन, कि यकसंगी है ये, उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज होता है यकसंगी, कि वो एक ही पत्थर का बना हुआ है, बीच में कोई जोड़ नहीं है, ज्वाइंट नहीं है उसके, ठीक है। वरना आमतौर पर इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो इस टेबल का ऊपर वाला पार्ट अलग से जोड़ा गया है ना, पहले अलग था ये, तो यकसंगी कहते हैं अगर किसी बड़े चट्टान को काट के ये टेबल बनाता ना मैं, और उसमें कोई जोड़ नहीं होता इस तरह का, तो इसको मैं कहता सिंगलटन है ये। तो इस तरह के सर्वर को ना जो हमने अभी ये बनाया हुआ है इसको कहते हैं सिंगलटन, कि जी वो 200 की 200 APIs जो है ना वो एक ही पैकेज के अंदर मौजूद है, Node.js का एक सिंगल पैकेज है जिसके अंदर वो पूरी 200 की 200 APIs मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सिंगलटन है, तो वो कहते हैं यार आपकी जो ट्रैफिक आती है वो तो एक ही API पे आती है, तो आप पूरा सर्वर एक साथ क्यों करते हो? फिर अगर किसी एक पे ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से सर्वर आपका डाउन होता है तो वो APIs भी डाउन हो जाती है जिन पर ट्रैफिक नहीं आता, साइनअप आना भी बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या करोगे, ऐसा सर्वर लिखोगे कि हर API एक अलग सर्वर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है भाई, ये है गूगल क्लाउड फंक्शंस, ठीक है। गूगल पे इसका नाम है गूगल क्लाउड फंक्शंस, AWS पे इसका नाम है लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। और अभी आजकल नेटलीफाई ने भी अपने फंक्शन निकाल दिए हैं, फायरबेस का जो फंक्शन है वो गूगल क्लाउड फंक्शन ही है असल में, ठीक है। फायरबेस का जो फंक्शन है वो असल में गूगल क्लाउड फंक्शन है अंडर द हुड। तो ये कहते हैं जी आपका ना क्या होगा, आप एक फंक्शन बनाओ, ये कहते हैं कि आप एक फंक्शन बनाओ, प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, नॉट एनीथिंग फैंसी, जैसे प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनता ना वो आप बनाओ और हमें दो, आप हर फंक्शन के बदले आपको हम देंगे एक अदद URL और वो URL हिट होगा, वो फंक्शन चलेगा, दैट्स इट। कहता है कि जी एक फंक्शन आप बनाओ लॉगिन के लिए, एक फंक्शन आप बनाओ साइनअप के लिए, इन दोनों फंक्शन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे लॉगिन का जो फंक्शन है वो दिन में अगर 10,00,000 दफ़ा भी चलता है ना, और अगर वो क्रैश भी हो जाता है इवन, तो साइनअप का वो हिलेगा नहीं अपनी जगह, साइनअप अलग चल रहा है, साइनअप का लॉगिन से कोई ताल्लुक नहीं है। या इसी तरह जो पोस्ट, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ऑथेंटिकेशन के सारे वो एक तरफ कर देते हैं, उसी एक फंक्शन में वो सारी ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है,
असल में वो बनाया उन्होंने हिसाब से कि हर फंक्शन एक API होगा, ठीक है। तो लॉगिन का एक अलग फंक्शन, साइनअप का एक अलग फंक्शन, फॉरगेट पासवर्ड का एक तीसरा फंक्शन, ट्वीट नया ट्वीट करने का एक चौथा फंक्शन, ठीक है, स्कैजुअल गेट करने का एक पाँचवा फंक्शन, इस तरह वेदर गेट करने का एक छठा फंक्शन। तो इस तरह बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अगर 200 API है ना तो 200 अलग अलग फंक्शन होते हैं। अच्छा, इसका जो डाउन साइड है, अच्छा अप साइड इसका क्या है, अप साइड इसका है कि वेरी चीप, ठीक है, वेरी चीप है, और पर कॉल के हिसाब से ये चार्ज करते हैं, ये आवरली चार्ज नहीं करते हैं, ये पर कॉल के हिसाब से चार्ज करते हैं, इस वजह से ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपके साइन अप की अगर 50 दफ़ा चलती है दिन में API, तो 50 के पैसे चार्ज होंगे, ठीक है, ये पूरे के चार्ज नहीं करता ये, क्योंकि ये उसको जो Kubernetes का जो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है ना, उसमें इस तरह के सर्वर को बहुत लाइट वेट होते हैं, इस तरह के सर्वर Kubernetes के सिस्टम के लिए, क्यों कि छोटा छोटा कोड है फंक्शन का, उसको अप करना आसान है, उसको डाउन करना आसान है। और एक पॉड के ऊपर जहाँ सिंगलटन सर्वर जो हैं वो चलते हैं 10, तो ये चलेगा 10,000, क्योंकि हर वक्त तो चल नहीं रहा ना, जब हर वक्त चलेगा तो दूसरे पॉड पे चला देगा उसको, कोई मसला नहीं है। तो बहुत लाइट वेट रहते हैं ये Kubernetes के सेटअप के लिए, तो इस वजह से जो है ना ये इसके पैसे भी कम हैं। अच्छा, इसका जो डाउन साइड है वो डाउन साइड ये कि ये है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इस वजह से हम ये वाला कवर नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम कम है, दूसरा ये कि ये शॉर्ट लिफ्ट वाला हमारे किसी काम का फिलहाल नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। लोग लेकिन इसको भी यूज़ कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है ये भी। शॉर्ट लिफ्ट का मतलब ये है कि इसके ऊपर सॉकेट IO वगैरह नहीं लग सकता। रियल टाइम कंप्यूटिंग अगर आप करना चाहते हैं, यानी फ्रंट एंड और सर्वर के दरमियान अगर रियल टाइम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, कोई सॉकेट कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। क्यों कि ये जब ही चलता है जब रिक्वेस्ट आती है, और रिक्वेस्ट आती है तो ये अप होता है, चलता है, रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और फौरन ख़त्म हो जाता है। सिंगलटन सर्वर में क्या होता है, सर्वर चल रहा होता है, चाहे रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही, सर्वर अप रहता है, ठीक है। Kubernetes उसको एटलीस्ट 10-15 मिनट तक वेट करता है कि यार एक रिक्वेस्ट भी अगर है तो डाउन नहीं करता, अगर सॉकेट कनेक्शन बना हुआ है तो फिर कभी भी डाउन नहीं करता, उसको वो अप करके रखता है, यानी इस वाले सेटअप के अंदर इसको वो अप करके रखता है, बोलता है यार अभी खड़े रहो, अभी रिक्वेस्ट है, बातचीत हो रही है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है तो इसके अंदर उसको ऑन करके नहीं रखा जा सकता। अच्छा, इसमें मैक्सिमम एक लिमिट भी होती है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस होने में अगर 300 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगता है तो ये उसको खुद ही मना कर देता है, बोलता है भाई बहुत हो गया, अभी बंद होने का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एक दफ़ा जब एग्जीक्यूशन शुरू होती है इसकी, तो मैक्सिमम वो 300 सेकंड तक चलती है, उसको शायद आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि बढ़ा के 500 सेकंड कर लेंगे, इससे ज़्यादा ये जाने आपको नहीं देता है। बाय डिफ़ॉल्ट 60 सेकंड होता है इसका जो सेट हुआ वो होता है, लेकिन शायद बढ़ा के आप 250-300 सेकंड तक जा सकते हैं। तो स्टिल ये इसका डाउन साइड है। अच्छा, एक और डाउन साइड इसका ये है, हाँ खड़े रहो, इसका एक और डाउन साइड था यार, वो मेरे जहन से निकल गया अभी। वेल, वेल तो हम कर रहे हैं ये दरमियान वाला, साइक्लिक पे भी हमने ये दरमियान वाला किया था, गूगल ऐप इंजन पे भी हम ये दरमियान वाला आइटम कर रहे हैं। अच्छा, साइक्लिक पे ना 3 ऐप अलाउ करता है वो, शायद अभी एक कर रहा है। तो बस आप ये करो कि जो असाइनमेंट आपने इधर दिखाना है ना उसको आप अप करो, बाकी को डाउन करो, क्योंकि वीडियो तो आपने बना के लगा दिया ना लिंक्डइन पर, तो वो तो दिख रहा है बंदे को। आप सिर्फ गिटहब की रिपॉजिटरी दो, साथ में आप लिख दो कि यार ये साइक्लिक पे एक ही होता है इसलिए मैं इसको होस्ट नहीं कर सका, तो आप इसको खुद से ही देख लें होस्ट करके ना, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक पे होस्ट का शायद एक बटन भी आता है, एक बटन भी आता है, और देख लेना, वो हरिको का तो है 100%। रेलवे पे बटन है डिप्लॉय का नहीं, देखो एक होता है readme.md है ना जो, उसके अंदर बटन आ रहा होता है, उसमें बटन लगाने का एक कोड होता है, वो साइक्लिक वाले खुद ही देते हैं, उसको क्लिक करेगा ना जो कोई भी तो उसके साइक्लिक के अकाउंट पे वो डिप्लॉय हो जाएगा, समझ रहे हो। हरिको पे ये था, साइक्लिक पे भी ये होना चाहिए, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली लेकिन होना चाहिए, ठीक है। रेलवे पे भी ये होना चाहिए कि आप वो बटन बना दो, आप बोलो यार आपको अगर डिप्लॉय करके देखनी है आप ये बटन दबाओ, ये आपके अकाउंट पर ही डिप्लॉय हो जाएगा और आपको URL मिल जाएगा, उसको आप चला के देख लो, ठीक है। तो ये एक ईजी सोल्यूशन है, अगर हो पाए तो ये कर लेना, बल्कि इसको ढूंढो, इसका तरीका तलाश करो। अच्छा, अब गूगल ऐप इंजन पे इसको डिप्लॉय करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए होगा एक अदद गूगल क्लाउड का अकाउंट।
अच्छा गूगल क्लाउड का जो अकाउंट है मेरे भाई वो बगैर क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेट नहीं होता है, तो अब क्या करें इसके लिए? हाँ भाई कौन बताएगा कि इसका हल क्या है? अब क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा? क्रेडिट कार्ड आएगा सादा पे से आएगा, ठीक है? सादा पे है पाकिस्तान में सर्विस, इजी पैसा की तरह है। सादा पे और नया पे दोनों पे अकाउंट बना लो, फ्री होता है और कार्ड भी मंगवा लो। 400-500 चार्ज करेंगे या 1000 रुपये चार्ज करेंगे कार्ड के, वो जब बंस आपके पास कार्ड आ जाए वो, या वर्चुअल अगर बनता है उसमें तो देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त वगैरह बता रहे थे कि सादा पे से वो हो जाता है। नया पे फ्री है? नहीं गूगल पे लग जाता है, गूगल पे लग जाता है नया पे। हाँ तो बस जो भी फ्री है दोनों में से कोई एक लगता है भारत, हाँ दोनों लग जाते हैं। हाँ तो बस दोनों मंगा लो, ठीक है? क्योंकि स्टार्टअप है बंद हो जाते हैं, हो सकता है कोई एक बंद हो जाए थोड़े दिनों में, तो दोनों मंगा लो, दोनों का अकाउंट सेट कर लो। और उसमें जो कार्ड होता है ना उसमें एक फ़ीचर होता है कि लिमिट लगा सकते हैं आप। जब आप कार्ड बना लेते हैं उसके अंदर तो वो लिमिट भी सेट हो जाती है कि भाई इतने से ज़्यादा स्पेंड नहीं हो सकता इससे, तो वो लिमिट लगा के ना आप $4-5 की लिमिट लगा के आप और इस पर आप ला के साइन अप करोगे आप। अच्छा यहाँ पर जैसे ही आप साइन अप करोगे वो आपको क्या देता है, $1 चार्ज करता है या $2 आपकी वेरिफिकेशन के लिए कि भाई ये पैसे आना जाना इस पर हो रहे हैं कार्ड पे कि नहीं हो रहे, ठीक है? $1 या $2 आपके वो चार्ज करता है। उसके बाद आपको ये देता है $300 का फ्री क्रेडिट गूगल। वो $300 इतना बड़ा अमाउंट होता है कि पूरे साल भी आप चलाओगे ना एक सर्वर तो वो मना नहीं करेगा आपको। तो ये साइक्लिक की जो 3 ऐप वाला चक्कर है ना ये आपका हल हो जाएगा मसला। आप उस पर 3000 ऐप भी डिप्लॉय कर दो ना तो भी वो $300 ख़त्म नहीं होंगे एक साल तक, ठीक है? अच्छा वो जब ख़त्म हो जाए तो दूसरा अकाउंट बना लेना उसी कार्ड से, बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। सही है, एक साल बाद तो इंशाल्लाह फिर आपकी जॉब वॉब लगी होगी तो फिर तो कोई इतनी बड़ी मसले की बात ही नहीं होगी, ठीक है? अच्छा मुझे आज तक इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास कभी ना कभी कहीं ना कहीं से अकाउंट आ जाता है किसी ना किसी क्लाइंट का। तो जी ये मेरा एक क्लाइंट है जिसका अकाउंट है ये, तो इसके अकाउंट को मैं इस्तेमाल करके फ़िलहाल आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि ये कैसे इस पर डिप्लॉय करते हैं। अच्छा जी तो मैं सबसे पहले तो यहाँ चला जाऊँगा गूगल ऐप इंजन के ऊपर। अरे भाई ऐप इंजन से लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी? ऐप इंजन का ना ये लोगो है, ज़रा गौर से इसको देख लीजिए सब लोग। अच्छा भाई अच्छा भाई ये मेरे पास आ गया। इसमें ना पहले से कुछ सर्विसेज बनी होंगी, जैसे 2 सर्विसेज इसमें देखो पहले से ये बनी हुई है। वेल हम इन दोनों सर्विसेज को इग्नोर करेंगे, हम एक तीसरी सर्विस बनाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे इसके भाई? ये रहा ब्राउज डॉक्यूमेंटेशन। तो हम चले जाएंगे गूगल क्लाउड इंजन की डॉक्यूमेंटेशन पे। यार वैसे ही गूगल पे लिख देते हैं गूगल ऐप इंजन डॉक्स। सही है गूगल ऐप इंजन की मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया। अच्छा अब देखो ये मुझसे, यार गौर से देखो ज़रा, फिर बाद में ये नहीं बोलना सर समझ में नहीं आया, और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो अभी तुम, ठीक है? अब ये पूछ रहा है भाई कि गूगल ऐप इंजन का थोड़ा सा, एक तो इसने बताया कि भाई फुली मैनेज्ड है ये, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म है फॉर डेवलपिंग एंड होस्टिंग वेब एप्लीकेशन एट स्केल। स्केल का मतलब है कि बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, ठीक है? यू कैन चूज फ्रॉम द सेवरल पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स टू डेवलप योर एप्स एंड लेट द ऐप इंजन टेक केयर ऑफ द प्रोविजनिंग सर्वर्स एंड स्केल योर ऐप इंस्टेंसेज बेस्ड ऑन योर डिमांड। कि जो डिमांड आएगी क्लाइंट की उस हिसाब से, जितने यूज़र आएंगे उस हिसाब से ऊपर नीचे अंदर बाहर वो करता रहेगा। अच्छा देखो गो पे है ये, PHP के सर्वर लग जाते हैं, जावा के, पाइथन के और Node.js के, सबके सर्वर इस पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। हमारे केस में Node.js है, हम Node.js पे क्लिक करके ज़रा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाते हैं। Node.js पे क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि जी आपके पास ना 2 एनवायरनमेंट हैं, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट। तो जो आपका फ्री टियर होता है ना जो $300 का, उसमें फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट काम नहीं करता है सही तरह से, तो हम इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट अभी मैं ज़रा भूल गया हूँ कि ये क्या चक्कर था, एक मिनट मैं ज़रा इसको वो वेरीफाई कर लूँ। मैंने लिख के रखा था एक जगह पे
कि इसमें ना कौन सा वाला चलता है कौन सा वाला नहीं चलता। अभी मैंने लिख के रखा था कि कौन सा चलता है कौन से पे नहीं चलता। फ्री टेयर इज ओनली अवेलेबल फॉर स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, ये मैंने अपने लिए अपनी यादहानी के लिए मैंने लिख के रखा हुआ था, ठीक है। वेल हमें चाहिए भी वही वाला, बल्कि इसको खोल के रखते हैं ना, इसी में से देख के कर लेंगे हम। नहीं है, हाँ पब्लिक है ये, नहीं ये तो डेमो, ये ऐप इंजन लिखोगे ना, वैसे भी मैंने अलग से अपने लिए बॉयलर प्लेट बना के रखा हुआ है। ये आ गया ना ऐप इंजन फ्लास्क और ऐप इंजन नॉट जेएस, तो नॉट जेएस वाला ये खोल लेते हैं हम, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैंने बना के हेलो वर्ल्ड करके रखी हुई है, तो क्या होता है उससे आसानी हो जाती है। वेल अब हम आ जाते हैं आगे, तो स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में हमने क्या करना है, इसको चलाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ इन्होंने कि स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट जो है ना वो फ्री टियर पे चलता है, इसमें नो फ्री टियर, एप्लीकेशन ऑलवेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ रनिंग इंस्टेंस, मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट चाहिए और कंटिन्यूसली। अब जो भी इन्होंने बात की हुई है यहाँ पे, वेल व्यू डॉक्यूमेंटेशन, चलो ये आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा भाई, अच्छा अभी जो हमारे पास नॉट जेएस का चल रहा है ना एलटीएस वर्जन, वो है 18, क्योंकि अब जब हम जाहिर है हमारे पास जब ऐप चल रही होती है तो हमारी मशीन में जो नॉट जेएस होता है उसके हिसाब से चल रही होती है। जब हम उनको भेजते हैं ना जब, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी ऐप को नॉट जेएस का कौन से वर्जन पे चलाना है एग्जैक्टली। अच्छा तो मेरी मशीन में भी ज़रा देख लेते हैं नॉट जेएस का कौन सा वर्जन है। मैं कहता हूँ जी नॉट स्पेस माइनस वी एंटर, तो ये मेरे पास 18.6 करके है, ठीक है। तो 18 पे हम चलाएंगे, 20 जो है वो इसके पास भी बीटा में है, प्रीव्यू में, तो हमें ये प्रीव्यू वाला कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, हमें क्या करना है एलटीएस वाला हमेशा चलाना है, ठीक है। तो इसने बोला कि यार जनाब आप क्या करो, अपनी ऐप के रूट पे आप एक फ़ाइल बनाओ विथ दिस नेम, ठीक है, app.yaml। आ जाता हूँ मैं अपने यहाँ पे, एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं जहाँ पे मेरे पास बना हुआ है ना ये package.json और सर्वर, तो इसी लेवल पे आके मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ app.yaml, एंटर, ठीक है। और इसमें मुझे क्या बात बतानी पड़ेगी कि भाई रन टाइम कौन सा हो मेरा। मैंने बोला रन टाइम मेरा कौन सा होगा, नॉट जेएस 18 होगा मेरा रन टाइम, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अगला क्या बात कर रहा है भैया, नॉट जेएस का वर्जन हो गया जी, और अच्छा कह रहे हैं कि जी अगर तो जस्ट आपने 18 वर्जन चलाना है ना आपको, जो भी 18 में सबसे नया वाला है, तो आप ऐसे लिख दो। अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन करना है तो आपको फिर ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि भाई 18 पॉइंट इतना पॉइंट इतना, समटाइम होता है ना ज़रा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो ये हो गया, ठीक है। तो वाल हमें ये वाला हमें नहीं करना, हमें बस 18 हो जाए बस काफ़ी है। हमारे ऐप में कोई ऐसी कोई स्पेशलाइज चीज़ नहीं है कि जी 18 पॉइंट इतने पे ही चलेगा, किसी और पे चलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। अच्छा कह रहे हैं कि जी ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट रन टाइम इंस्टॉल द योर डिपेंडेंसी यूजिंग npm इंस्टॉल कमांड, द रन टाइम ऑल्सो सपोर्ट द यार्न डॉट लॉक, ठीक है, और pnpm और जो सारी चीज़ें जो होती हैं। कह रहे हैं कि भाई आपने नॉट मॉड्यूल साथ में नहीं भेजना है, खुदा का वास्ता आप मत भेजना नॉट मॉड्यूल, हम खुद npm इंस्टॉल चला के उसको इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने नॉट मॉड्यूल साथ में भेजा तो ये मसला करेगा, ये आपको समझ नहीं आएगा क्या एरर आ रहा है, लेकिन वो चलेगा नहीं बहरहाल, वो कोई ना कोई आपको एरर देता रहेगा बिला वजह के, और ये हो गया। अच्छा जी बिल्ड स्क्रिप्ट अगर आपकी कोई है, अगर कोई है, हमारी कोई बिल्ड स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। बिल्ड स्क्रिप्ट उस सूरत में होती है कि आपने अगर अपना कोड लिखा हुआ है टाइप स्क्रिप्ट में और आप चाहते हैं कि जी ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जावा स्क्रिप्ट में, या इस तरह की कोई चीज़ हो जो npm इंस्टॉल के बाद और npm रन से npm स्टार्ट से पहले चले, तो हमारे केस में हमारी कोई बिल्ड स्क्रिप्ट फ़िलहाल के लिए नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छा जी अब ये हो गया आपका जी, कह रहा है कि भाई package.json में स्टार्ट की स्क्रिप्ट होना लाजमी है जो हम लिखते हैं ऑलरेडी। कह रहा भाई अगर ये नहीं होगा तो हम npm स्टार्ट चलाएंगे, आपकी ऐप नहीं चलेगी, तो हमारा मसला नहीं है, आप ये आपने ये स्क्रिप्ट डाल के भेजनी है,
ठीक है। अच्छा फिर ये क्या बता रहा है कि भाई पोर्ट करके ना एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, वहाँ पे आपको मिलेगी पोर्ट। हमने ये भी हैंडल किया हुआ है, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट करके वो कह रहा है ऐसे मिलेगा आपको, ये भी हमने किया हुआ है हल। अच्छा फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल में और भी चीज़ें हैं लेकिन ये हमारे काम की नहीं है फिलहाल। ठीक हो गया, अब बस ये मोटी मोटी बात इसने बता दी यहाँ पे। अब इसको डिप्लॉय करना, बिल्ड एन ऐप। अब अगले सेक्शन पे आ जाते हैं, बिल्ड एन ऐप पे। क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट। अच्छा मैं ये इसको फॉलो कर रहा हूँ, पहले मैं ओवरव्यू था, अभी इस पे आया हूँ, अब मैं इस पे आ रहा हूँ। अच्छा मैं वैसे चाहूँ तो डायरेक्ट भी बता दूँ लेकिन ज़रा डॉक्यूमेंट इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि कल को आप अगर फॉलो करें ना तो डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज हुआ तो आप इसी को देख के फॉलो करें, क्योंकि वीडियो तो चेंज नहीं होती ना, वीडियो तो फिक्स हो जाती है एक दफ़ा। तो जब आप मेरी वीडियो कभी बाद में देख रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट आपने देखना है, वीडियो पे आपने रिलाई नहीं करना है, वीडियो देखते जाएं और डॉक्यूमेंट को फॉलो करते जाएं। अच्छा अब ये कह रहा है कि जी क्रिएटिंग गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, कह रहा है कि गूगल क्लाउड पे आप एक आदत बनाओ प्रोजेक्ट। अच्छा मेरे केस में मेरा प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं बना हुआ होता तो मैं क्या करता, मैं न्यू प्रोजेक्ट करके यहाँ से प्रोजेक्ट बनाता, ठीक है। अच्छा न्यू प्रोजेक्ट करके बनाता, फिर ये कह रहा है कि इनेबल एपीआई करो। मेरे पास ये एपीआई भी इनेबल है, मैं क्लिक करूँगा ना इस पर तो देखो एक नए टैब में खोलता है ये, और यहाँ पे इनेबल एपीआई का एक बटन आ रहा होता है। अच्छा ये क्लाउड बिल्ड है, क्लाउड बिल्ड तो हमारे पास है नहीं ना बिल्ड सिर्फ, ठीक है। तो इसको अगर मैं ना भी इनेबल करूँ तो खैर है, चलो लेकिन कर देता हूँ मैं, सही है बिल्ड स्क्रिप्ट। अच्छा उसके बाद इसने क्या बोला है कि भाई इंस्टॉल गूगल क्लाउड CLI, जैसे NPM की CLI इंस्टॉल की है हमने, जैसे Firebase की CLI इंस्टॉल की है, जैसे Git की CLI इंस्टॉल की है हमने, इसी तरह गूगल क्लाउड की CLI को इंस्टॉल करना होगा हमें। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन वाली ऐप, एक ऐसी ऐप जो सिर्फ कमांड लाइन से चलती है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने आके बोला कि भाई ये पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा, इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। मेरे पास मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए इन्होंने ये देखो दिया हुआ है x86 ARM और x86 32 bit। तो मेरे पास जो है वो ARM है तो मैं ये वाला इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। आपके पास जब आएगा तो ये विंडोज़ का भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं। अच्छा ये रहा ना विंडोज़, लास्ट में विंडोज़ के इंस्टॉलेशन का ये तरीका बताया हुआ है, कह रहा है भाई डाउनलोड द इंस्टॉलर और नेक्स्ट 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 करो और चल मेरा भाई जाने दो, सही है। तो ये भाई जो भी आपके पास OS है ना, हर OS के अंदर ये अवेलेबल है। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है, जैसे Git को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था ना तो Git अवेलेबल हो गया टर्मिनल पे, उसी तरह इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है। अच्छा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो जी क्लाउड आपको मिलने लग जाएगा, NPM जैसे मिलता था ना, NPM इनिट करते थे, अब जी क्लाउड इनिट करना है आपने। तो पहले तो मैं ज़रा अपने टर्मिनल पे जाके देखता हूँ कि जी क्लाउड माइनस वी करके मुझे क्या मिलता है, ठीक है। जी क्लाउड माइनस वी किया मैंने तो मुझे देखो क्या मिल गया, ओके माइनस माइनस वर्जन करता हूँ ज़रा, कौन सी परमिशन नहीं मिल रही, चलो ज़रा सूडो लगा देते हैं। वेल वर्जन तो इसने बता दिया मुझे और ये कह रहा है कि अपडेट्स भी अवेलेबल हैं, सही है। ये कह रहा है अपडेट्स भी अवेलेबल हैं। वर्जन देखो इसने क्या बताया, गूगल क्लाउड SDK 4.23 वर्जन है उसका, ठीक है। पता नहीं कोर और BQ और जी क्लाउड और पता नहीं क्या किया, और कह रहा भाई अपडेट्स आर अवेलेबल फॉर सम गूगल क्लाउड CLI कंपोनेंट, इंस्टॉल देम। ये कमांड मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, ये इसमें कुछ अपडेट आई हुई है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं इसको ज़रा अपडेट कर लेता हूँ जल्दी से फिर, ठीक है। ये कमांड मुझे ऑब्वियसली सूडो के साथ चलानी होगी, अदरवाइज ये ठीक है। कह रहा भाई कुछ डाउनलोड वाउनलोड होगा, आप देख लो क्या करना है। कॉन्फिग डिसेबल यूजेज रिपोर्ट फॉल्स, पता नहीं क्या कर रहा है ये। एक्सप्रेस JS हेलो वर्ल्ड सूडो 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 अपडेट हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी, बस ठीक है भाई ये लो यस कर दिया, जाओ करो इंस्टॉल, ठीक है यस ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसी बहाने ये भी पता चल गया कि अपडेट कैसे होगा, ये जब भी अपडेट आएगा वो खुद ही बता देगा कि भाई अपडेट है, ये कमांड चला दो अपडेट हो जाएगा खुद ही।
अच्छा ये जो इंस्टॉलेशन हो रही है ना, इसका मेरे फोल्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे ग्लोबली पूरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉलेशन हो रही है जो मैंने अपडेट अभी चलाई है। ठीक हो गया, बड़ा टाइम लगा रहा है यार इसको अपडेट करने में। तो ये हाँ भाई क्या लतीफा सुना रहे हो, मुझे भी सुनाओ। अच्छा, ये कुर्सियाँ वापस अपनी जगह पे रख के जानी है आपको, ठीक है ना, और सीधा करके भी जाना ताकि लगे कि तमीज़ वाले लोग खड़े हुए थे यहाँ पे। यार ये तो बड़ा टाइम ले रहा है। वेल ज़रा देखते हैं जब तक के आगे ये क्या बता रहा है। अच्छा जी क्लाउड एनिटी बताया इसने अगला काम। हम एक काम करते हैं ना, नया टैब खोल के हम जी क्लाउड एनिट चला देते हैं। हम एक नया टैब खोल लेते हैं ना इसी कमांड लाइन में और जी क्लाउड एनिट चला देते हैं हम। सही है, जी क्लाउड एनिट में किस में चला रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में चला रहा हूँ। एंटर का बटन दबाया मैंने, ये सूडो के साथ मुझे चलाना पड़ेगा। सही है, सूडो के साथ मैंने जी क्लाउड इनिट दोबारा चलाया। अच्छा जब सूडो के साथ मैंने जी क्लाउड इनिट को दोबारा चलाया तो ये मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि भाई दिस कमांड विल टेक थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जी क्लाउड, सेटिंग अप योर करंट कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट आर बिल्ड टाइम 600 निकल गया। ये अकाउंट malikasinger@gmail, ये मेरा लगा हुआ है। डिसेबल यूजेज रिपोर्ट। अच्छा पिक अ कॉन्फ़िगरेशन टू यूज़, री इनिशियलाइज दिस कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट विद न्यू सेटिंग्स, क्रिएट अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मुझे तो यही यूज़ करना है, चलो री इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि शुरू से हो जाए दोबारा। ठीक है, चेकिंग योर नेटवर्क कनेक्शन पूछ रहा है अभी ये। चलो सही है, नेटवर्क कनेक्शन कर लो चेक। अच्छा अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई दो अकाउंट हैं आपके, नंबर एक malikasinger@gmail और नंबर टू लॉग इन विद अ न्यू अकाउंट। तो मैंने कहा भाई मुझे वन ही चाहिए, ठीक है, लॉग्ड इन एज, ये हो गया। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट कौन सा आप चलाओगे, ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे जो गूगल क्लाउड के ऊपर मेरे पास बने हुए हैं या मुझे एक्सेस मिला हुआ है उसका, किसी और ने बना के मुझे एक्सेस दिया हुआ है। अच्छा तो मैं यहाँ पे वो वाला प्रोजेक्ट ढूंढ लेता हूँ जो मुझे चलाना है। क्या है उस प्रोजेक्ट का नाम यार, रीड मी अ स्टोरी 3। अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ ये 50 और टोटल मेरे पास है 167।
क्या कह रहा है, डिड नॉट प्रिंट 177 ऑप्शन, टू मैनी ऑप्शन, लिस्ट एट प्रॉम्प्ट टू दिस केयरफुली, प्लीज एंटर अ न्यूमेरिक चॉइस और अ टेक्स्ट वैल्यू, मस्ट बी एग्जैक्ट द लिस्ट. अब वो इस लिस्ट में उसने दिखाया नहीं है, लेकिन मैं बाकी देखने के लिए क्या लिखूँ, लिस्ट लिखूँ. अच्छा, लिस्ट लिख के एंटर करूँगा तो अगला आ गया. हाँ आ गया ना. अब रीड मी या स्टोरी आर में होगा. हाँ ये रीड मी स्टोरी थ्री है ना. अब ये मुझे चाहिए इधर, ठीक है. ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ये प्रोजेक्ट, ठीक हो गया जी. योर करंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेट, रीड मी स्टोरी थ्री, और डू यू वॉन्ट कन्फिगर अ डिफॉल्ट कंप्यूट रीजन जोन. हाँ डिफॉल्ट कर दो सेट, सही है. यस पे एंटर किया मैंने तो यस सेलेक्ट हुआ. यूएस ईस्ट, यार ये पहले तो नहीं पूछता भाई, क्यों पूछ रहा है मेरे से. अच्छा खैर, इसको एक मैंने रीजन यहाँ से दे दिया उठा के, यूएस ईस्ट वन मैंने दे दिया इसको, सही है यूएस ईस्ट. अब ये रीजन क्या होता है कि जी वो जब डिप्लॉय करेंगे तो कहाँ जाकर डिप्लॉय होगा, मानी किस डेटा सेंटर पे होगा. ठीक है, ये हो गया जी. इनिशियलाइजेशन इसकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. अच्छा ये जी क्लाउड इनिट तक इसने बोला था ना चलाओ आप, तो ये जी क्लाउड इनिट मेरा चल पड़ा. अच्छा अब ये कह रहा है कि यार आपने जो गूगल की ऐप बनाई है ना, उसमें आप जाके क्या कराओ, उसमें आप ऐप इंजन की एप्लीकेशन बनाओ. मतलब यहाँ ऐप इंजन में आओ. अब ये ऐप इंजन तो मेरे पास बना हुआ दिख रहा है ना, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होता. वो बोलता है क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन, बस वो आप क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है. यहाँ सर्विस की जगह पे ये दोनों सर्विसेज मौजूद नहीं होती हैं, खाली होता है ये बिल्कुल. ठीक है, तो ये कह रहा है वो बटन दबा दो बस जाके. आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये नए टैब में खोलेगा, आपको इधर लेके आएगा, बटन होगा, दबाओगे तो इसे स्क्रीन पे आप पहुँच जाओगे फिर. ठीक है, वो मेरे पास हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे ये करने की ज़रूरत वो नहीं है. ठीक है, मैं वापस डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ. सेलेक्ट अ रीजन, कि कहाँ पे वो रीजन होगा आपका. चलो जी अब आगे बढ़ो. नेक्स्ट स्टेप, राइटिंग योर वेब सर्विस. अब ये ऐप तो इधर बन गई, अब वो कह रहा है एक सर्वर लिखना है अब आपने. ठीक है, कह रहा है भाई बिफोर यू बिगन नॉट जेएस के एलटीएस वर्जन उठाओ. क्रिएटिंग अ सर्वर, अब ये एक्सप्रेस कह रहा है एक्सप्रेस इंस्टॉल करो, डिपेंडेंसीज में एक्सप्रेस लगाओ, स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखो. ये एक सर्वर लिख दिया इन्होंने छोटा सा, कह रहा है भाई सर्वर को आप चला के रन करके देख लो अपने पास. रनिंग सर्वर लोकली, कह रहा है लोकल रन करो पहले आप इसको, उसके बाद आप बनाओ ऐप डॉट यमल फाइल जो अभी हम बना चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, उस पर आप लिखो रन टाइम कौन सा है जिस पे इसको चलाना है. ठीक है, और साथ में क्या लिखो. अच्छा कह रहा है आपकी फाइल का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि सर्वर डॉट जी एस रूट पे, पैकेज डॉट जी एस एन रूट पे, ऐप डॉट यमल भी रूट पे. ठीक हो गया, अब ये यहाँ तक हो गया. राइटिंग योर वेब सर्विस, डिप्लॉय योर वेब सर्विस. अब डिप्लॉय योर वेब सर्विस पे ज़रा आ जाते हैं. डिप्लॉय योर वेब सर्विस पे कह रहे हैं कि बिफोर यू बिगन वो पूरा प्रोजेक्ट बनाओ और इनिट करो, उसको बता दिया. राइट अ नॉट जेएस वेब सर्वर रेडी टू डिप्लॉय. ठीक है, रेडी टू डिप्लॉय ये ज़रूरी इसने बोला है. इंस्टॉल गूगल क्लाउड CLI, ये भी हम कर चुके हैं. अच्छा उसके बाद कह रहा है कि आप लिखो जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय. ठीक है, और जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय जैसे ही आप लिखोगे तो क्या होगा कि जो है ना ये आपकी ऐप डिप्लॉय होना शुरू हो जाएगी. अच्छा, अगर कोई फाइल ऐसी है जिसको आप चाहते हो गूगल क्लाउड पर सेंड ना हो, तो आप जैसे गिट इग्नोर बनाते थे ऐसे क्लाउड इग्नोर बनाएंगे आप इस नाम की फाइल, और उसमें उस फाइल का नाम डाल दो, तो डिप्लॉय करने पे वो फाइल नहीं जाएगी उधर. कह रहा है डिप्लॉय करने के बाद हम चलाते हैं उस पर npm इंस्टॉल और npm स्टार्ट. तो npm इंस्टॉल npm स्टार्ट पे आपकी ऐप रन होगी तो हमारे पास चलेगी. ठीक है, और कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है. डिप्लॉइंग मल्टीपल सर्विस, ये अब आगे की कहानी है. अच्छा जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय करने से पहले ना, जब मैं ये बात लिखूंगा ना जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय, तो ये उसको जाके करेगा डिफ़ॉल्ट सर्विस पर डिप्लॉय करेगा उसको. ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको डिफ़ॉल्ट सर्विस पर डिप्लॉय ना करे. ये क्या बोला है इसने, अनेबल टू ओपन डेटाबेस फाइल. चलो सूडो करके करते हैं. अभी भेजता हूँ भाई. अच्छा देखो, अब मैंने सर्विस को डिप्लॉय करने का जैसे ही बोला ना, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई डिप्लॉय किधर करना है. सही है, कह रहा है सर्विस टू डिप्लॉय, ये सर्विस डिप्लॉय होने वाली है. इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है मुझे ये. ज़रा इस तरफ वाले को मैं किल कर देता हूँ ताकि मुझे बड़ा टर्मिनल मिल जाए. ये देखो इसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लो. कह रहा है टारगेट प्रोजेक्ट ये होने वाला है, टारगेट सर्विस जो होने वाली है वो डिफ़ॉल्ट है.
अच्छा मेरे पास ना डिफॉल्ट के नाम से एक बना हुआ है पहले, तो मैं उसको बचाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो डिलीट ना हो, ठीक है। और वर्जन जो है वो ये वाला है। अब वर्जन क्या होता है, जब जब डिप्लॉय करते हो ना एक नया वर्जन डिप्लॉय होता है, ठीक है। यू आर एल टारगेट का जो है ना ये होने वाला है, यानी जब आपका आपकी ऐप डिप्लॉय हो जाएगी तो ये उसका यू आर एल आपको मिलेगा, ठीक है। और सर्विस अकाउंट जो है वो ये वाला इसमें इस्तेमाल हो रहा है, सर्विस अकाउंट परमिशन वगैरह असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं ना ये डिफॉल्ट को हटा के ज़रा ना मैं कुछ और इसमें लिखना चाह रहा हूँ, मैं ज़रा जल्दी से डॉक्यूमेंट से देख लूँ कि ये डिफ़ॉल्ट सर्विस के अलावा। अच्छा अगर तो कोई सर्विस नहीं है आपके पास तो वो बोलता है भाई पहले डिफ़ॉल्ट लाजमी डिप्लॉय करोगे आप, अगर आप डिफ़ॉल्ट डिप्लॉय नहीं करोगे हम कुछ नहीं करने देंगे आपको, ठीक है। आप डेटिंग योर वेब सर्विस में जाके ना ज़रा मैं ये सर्विस देख लूँ कैसे चेंज होती है बस। अच्छा ये मेरे पास एक ऐप बनी हुई है ना पहले से, यहाँ पे ज़रा मैं यमल पे जाके देख लेता हूँ यहाँ पे कैसे। अरे यार इसमें मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने किसी एक में तो लिखा है कि वो यमल को ना हटा के, वो यमल के अंदर ही होता है वो सर्विस का, कौन सी सर्विस पे डालना है उसको, ठीक है। सर्विस का नाम मैं इस तरह लिखता हूँ, सही आ गया, समझ आ गया। तो मैं उसको बोलूँगा सर्विस जो है ना वो क्या लिखो आप, SMIT लिखो सर्विस, SMIT और डेमो सर्विस का नाम ये हो। तो मैं कैंसिल करके इसको क्या करूँगा, दोबारा से डिप्लॉय करूँगा। तो अब की बार ये क्या बना के देगा मुझे, बोलेगा सर्विस का नाम आपका क्या होगा, ये देखो आप टारगेट सर्विस SMIT डेमो, ताकि वो डिफ़ॉल्ट वाला ना डिलीट ना हो, ओवरराइट ना हो। मैंने कहा यस, अब ये 2 से 4 सेकंड लेगा या 10 सेकंड लेगा और ये डिप्लॉय करके मेरे सामने लाके इसका रिजल्ट रख देगा, ठीक हो गया। SMIT डेमो जो है वो अपलोड हो रहा है, 7 फाइलें इसने अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी। और मेरा गेट इग्नोर बना हुआ था ना, सही गेट इग्नोर नहीं होता ना तो नॉट मॉड्यूल भी चला जाता है मेरे साथ, फिर वो बोलता है नॉट मॉड्यूल क्यों भेज दिया, ये क्या कर दिया मेरे साथ। सही है, हम पहले से ही ये वाला URL ज़रा ना कंट्रोल क्लिक करके खोल लेते हैं, ताकि जैसे ही हमारी ऐप आप हो हमें यहाँ पे उसका रिजल्ट नज़र आ जाए, ठीक है। अभी तो ये कुछ और ही खोल के दिखा रहा है मुझे। वेल अब जब मैं यहाँ पे सर्विस पे आऊँगा ना मैं अपने ऐप इंजन पे, तो मुझे एक तीसरी सर्विस नज़र आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा SMIT डेमो, जो कि अभी तक नज़र यहाँ पर नहीं आई है। बस मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं ये ज़रा कंप्लीट कर लूँ, ठीक है जी। डन, ये कह रहा है जी हो गई आपकी सर्विस डिप्लॉय। यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि नज़र आ रही है वो सर्विस के नहीं आ रही है, SMIT डेमो नज़र आ गई, ठीक है। मैं इधर क्लिक करके भी इसको खोल सकता हूँ, इधर क्लिक करूँगा ये खुल जाएगी, अनटिल एंड अनलेस की कोई एरर नहीं होगा ना, ये मेरे पास आ गई। और ये मेरे पास क्या आ गया इसका, ये URL आ गया, ठीक है। और कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो वही वाली बात है साइक्लिक वाली, कि ये जो लिखा है ना इसने appspot.com, इसको नहीं ख़त्म कर सकते आप, इसके पीछे वाला पार्ट ये आप कर सकते हैं, ये जो पार्ट है ना इतना पार्ट, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अंदर सेटिंग से हो जाता है वो। हाँ डोमेन ले लो तो फिर ये आपको लगाने दे देता है, बिल्कुल लगाने क्यों नहीं देगा आपको ये, ठीक है। ये चलना शुरू हो गया हमारे पास। तो आज के दिन हमने क्या सीखा कि हमने जो एक्सप्रेस की ऐप बना के साइक्लिक पर डिप्लॉय किया था, उसी ऐप को गूगल क्लाउड गूगल ऐप इंजन के ऊपर हमने उसको डिप्लॉय किया। अच्छा अब आपने अगला काम किया है जो आपने एक्सप्लोर करना है ख़ुद से, आप जाके लिखेंगे, देखो ये जो यमल फाइल है ना, ये जो यमल फाइल है ना, इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि भाई मिनिमम कितने इंस्टेंस चलने चाहिए, मैक्सिमम कितने चलने चाहिए, इसको कितने प्रोसेसर वाले इंस्टेंस पे चलाना है, कितनी रैम वाले इंस्टेंस पे चलाना है। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, सब डिफ़ॉल्ट पे। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा ऐप इंजन यमल रेफरेंस, ठीक है, यमल रेफरेंस आ गया। अब यमल रेफरेंस के अंदर ना मैंने कहा कि जी नॉट जेएस, ठीक है, नॉट जेएस और स्टैंडर्ड इंजन, अब यहाँ पे देखते जाओ ये मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टेंस ना कैसे बता रहा है। ये देखो इंस्टेंस क्लास कह रहा है किस तरह की मशीन पे चलाना है, F1 क्लास पे, F4 क्लास पे, किस पे चलाना है। अब ये F1 F4 क्या होता है, ये गूगल के अलग अलग कंप्यूटरों के नाम है, वो आप अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। रन टाइम हमने ये लिखा था नॉट जस्ट 20, सर्विस का नाम लिखना है, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी वो आ जाएगा कि वो रैम कितनी देनी है और प्रोसेसर कितना देना है, वो सब आ जाएगा।
यार वो मिनिमम इंस्टेंस पता नहीं किधर आ रहा है। अच्छा ये आ गया, ऑटोमेटिक स्केलिंग। ऑटोमेटिक स्केलिंग में आप क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम इंस्टेंस, मिनिमम इंस्टेंस, ठीक है, मैक्स आइडल इंस्टेंस, मिनिमम आइडल इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। टारगेट थ्रोपुट यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें लगा के सकते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से इन्होंने एग्जांपल बना के दिखाया है, आप ऑटो स्केलिंग के ये पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि भाई मिनिमम 5 से कम नहीं होना चाहिए एट अ टाइम, मेरी मशीन पे एट अ टाइम 5 इंस्टेंस पे चल रही हो मेरी मशीन, ये वाला सर्वर मेरा, मैक्सिमम जो वो 100 पे जाए, 100 से ऊपर ना जाए, ठीक है। और ये बाकी की चीज़ें सारी कि भाई लेटेंसी कितनी है और वो कितना है, जितने चाहो बना सकते हो, मना नहीं करेगा ये। अब रैम भी इसके अंदर आ रहा होता है सेट करने का ऑप्शन, ठीक है। वेल अब ये यमल से ही सारा होता है, बहरहाल ये यमल जो है ना इसी के अंदर सारी वो चीज़ें लिखी जाती हैं कि जी इस मशीन को कब चलाना है, कैसे चलाना है, कितने रैम, कितने प्रोसेसर पे चलाना है, सही है, किस किस टाइप की मशीन पे चलाना है, ये सब होता है। ये F1 F4 जो मशीनें लिखी हुई है ना, इसमें आप अंदर जाओगे जब F1 F2 F4 पे, तो ये लिखा हुआ है कि अच्छा जी F2 जो है वो क्या होती है, 2 कोर वाली मशीन होती है, या F4 जो होती है वो 16 कोर वाली मशीन होती है, तो इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। इंस्टेंस क्लास का पूरा डॉक्यूमेंट है, क्लिक करूँगा मैं इंस्टेंस क्लास में पहुँच गया। देखो हर मशीन के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये कितने कितनी मशीन है, क्या क्या है। ये सबसे F1 जो है वो 600 MHz है, बहुत कम प्रोसेसर वाली मशीन है, ठीक है। तो इस तरह आप आगे क्या करोगे, यहाँ पे आके आप देखते रहोगे और मज़ीद इसको मास्टर करते रहोगे आप, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में।